नलके का पानी यूज मत करो, टॉयलेट मत जाओ, नहाओ मत, बस पलंग के ऊपर बैठे रहो। दर्शकों, अपनी जान जोखिम में डाल के हम अपने छत के ऊपर आए हैं, बस इतना बताने के लिए कि हमारी भट गई है। इतनी जोर से ठंडी पड़ रही है, चारों तरफ आप देख सकते हो, कैमरामैन भी कांप रहे हैं हमारे, तो इतनी ठंडी पड़ गई है। लेकिन सिर्फ आपको खबर देने के चक्कर में हम अपनी जान को जोखिम में डाल के छत के ऊपर आए हैं। अभी थोड़ी देर में मैं घर के अंदर जाऊंगा और घर के अंदर क्या हालात है वो भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, निवेदन है आपसे, हमारे जैसे हिम्मत करके आप छत के ऊपर कभी मत आइए, क्योंकि बहुत ही भयंकर परिस्थिति हो गई है, हमसे रहा नहीं जा रहा है। चलो चलते हैं, चलो भागो। दर्शकों, जैसे तैसे करके हम घर के अंदर पहुंच गए हैं। अभी हम आपको लाइव एग्जांपल दिखाएंगे कि घर के अंदर पानी में कितना टेम्परेचर है। थर्मोमीटर लाओ थोड़ा। देखो गाइस, अभी ये यहाँ दिखाओ, अभी ये नलके से पानी हमने निकाला है और आपको लाइव दिखाएंगे कि अपना थर्मोमीटर भी सरेंडर कर देगा और माप नहीं पाएगा। लो, इसका मतलब है दोस्तों, ये थर्मोमीटर भी काम नहीं कर रहा है कि इतना ठंडा है यहाँ पे। तो मुझे आप सबसे इतना निवेदन है कि भाई नलके का पानी यूज मत करो, टॉयलेट मत जाओ, नहाओ मत, बस पलंग के ऊपर बैठे रहो और भगवान को याद करते रहोगे कब ठंडी खत्म हो जाए। दोस्तों सीरियसली, आज हम जान जोखिम में डाल के आपको नलके के पास आके दिखा रहे हैं हमारे घर के। अभी हम जान जोखिम में डाल के आप टॉयलेट भी जाएंगे, पानी तो पानी छोड़िए, अपने बॉडी में भी मैं दिखा रहा हूँ ना, तेरे लग गए बता रहा है। तो गाइस, सबसे निवेदन है कि हमारे जैसे हिम्मत करके इतना सब मत करो, आराम से पलंग के ऊपर पड़े रहो, भगवान को याद करते रहो। नहाना तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत नहाना जब तक ठंडी का लहर खत्म ना हो जाए। कैमरामैन, हमारी बहन की तरफ चलो, वो क्या कर रही है। तो गाइस, ये देखो हमारी बहन सागरिका की हालत, वो लगभग 7 दिनों से ऐसे ही पड़ी है, पता नहीं अंदर क्या कर रही है, बाहर निकल नहीं पा रही है। मम्मी, मेरा मोबाइल दे तो। देखो अभी अभी उसने अंदर से मोबाइल मांगा है, देखो अभी मोबाइल दे दिया गया है, सब अंदर सप्लाई हो रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही है। और पावर बैंक भी दे दे। हाँ, अभी पावर बैंक भी मांगा गया है, पावर बैंक सप्लाई हो रहा है, अंदर ही अंदर पावर स्टेशन भी चलेगा। और वो मेरा बुक। अच्छा, बुक भी चाहिए, अंदर बुक भी मिलेगा, सब कुछ मिल रहा है। तो सोचो दोस्तों कितना भयंकर हालात है कि सागरी का जो दिन में 24 घंटे से 23 घंटे बाहर पड़े रहती थी घर के। एक पॉलिथीन भी दे दे। देखो पॉलिथीन मांगा गया है, मतलब आई थिंक सागरी का पेट खराब हो चुका है, 7 दिन से अंदर पड़े रहने का नतीजा ये है। पॉलिथीन दे दिया गया है, मतलब अभी हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं दोस्तों, अभी यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी पानी का बोतल। अच्छा अच्छा, हाँ गर्म पानी सप्लाई हो रहा है। ओके, तो गर्म पानी दे दिया गया है, आई थिंक ये पीने के काम नहीं आएगा, कुछ और काम में आएगा अंदर। दोस्तों घर में कोई कितना भी रिक्वेस्ट करे, नहाना मत, बिल्कुल भी मत नहाना। घर में अगर कोई बोले आपको नहाने को तो गोली मार देने का उनको। विंटर में अगर एक आदमी नहाता है और दूसरे को छू लेता है तो उसको भी बोला था, उसने भी नहा। राइट। तो 5 लोगों का फैमिली है तो किसी एक को बोलो नहाने के लिए और वही बंदा आके बाकी 4 को अगर छू लेगा तो उसको नहाना ही माना जाएगा। ये हमने सुना है, लगभग कुछ दिनों से यही चल रहा है, हम भी वही कर रहे हैं। और टॉयलेट तो बिल्कुल मत जाना, और जिनका वेस्टर्न टॉयलेट है वो तो सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि लकवा मार सकता है आपको। जितना हो सके देसी टॉयलेट यूज करें, क्योंकि समझ सकते हो किस लिए बोल रहा हूं मैं। गाइस, इतना ही था बताने के लिए, मैं आया था अभी थोड़ी देर के लिए आपको बताने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए मैं आया था। और अगर जिंदा रहा तो हम वापस मिलेंगे, आशा करता हूँ ये शीतलहर जल्दी खत्म हो जाए हमारे शहर से। मिलते फिर अगले वीडियो में गाइस, स्टे सेफ और स्टे इन योर पलंग ओनली। थैंक यू।